मुरली बजाई गय श्याम री और बोसने दादा लोग आप भी ताली बजा लो, बस थोड़ा सा कष्ट कर लो दो मिनट का, क्योंकि भगवान की जो कथा होती है कथा से कई गुना जरूरी होता है भगवान का कीर्तन। क्योंकि ताली बजा के कीर्तन इसीलिए बोला जाता है, किसी के ऊपर निद्रा आती है, निद्रा पता कौन है, कुंभकर्ण की पत्नी है। कुंभकर्ण पता होगा कितना सोता था, 6 महीने में एक बार उठता। रुक जाओ लली, देखो भजन बोलो। जब भगवान ने तुम्हारे संग कंजूसी ना करिए, बनाए में बहुत सुंदर शरीर दिया है, नाक देखो कितनी सुंदर है, तूता शर्मा जाए, ओंठ आहा संतरा जैसी खापे, और एबर एकदम कमान की तरह, और दांत आकाश बारी बिजलियों शर्मा जाए। सुनो, जब भगवान ने तुम्हारे संग कंजूसी ना करी तो भगवान के भजनों में कंजूसी मत करो। अगर भगवान ने तुम्हारे संग कंजूसी करते ही होती, नाक उठाएगी तो चांद चिपका दी होती, अब मुंह उठाएगी पीठ चिपका दो हो तो, अब कान उठाएगी छाती धत्ते जाते, अब कोई खावे भाई सौदा आती फिर बताओ कैसे खाती, बड़ी दिक्कत होती ना। कोई खावे भाई सौदा आती तो पहले बार नाक से सूंघते सड़ी धुना है अच्छी है, अब फिर पीठ में मोची भगो है, फिर ऐसे कर ले जाते, फिर कैसी रहती बदती रहती। तो भगवान ने तुम्हारे संग कंजूसी ना करी है, तो भगवान को भजन बोलने कंजूसी मत करो। अब सुनो लली, अबे ना बोल रही है ये, मानो कब बोलो करती है, जब इनके दांत में लग जाए कीड़ा, फिर जे बीचा भी दाली जब बैठती फिर करती है, हाय राम मेरी तो युवराज ना सुनते राम, तब जी राम राम चिल्लाती है क्यों। आ जब भाई असहनी पीड़ा होती है तब जी राम को नाम लेती है, अता से बोलो। हाँ देखो मैं बात हंसी की जरूर कहते, मेरी हंसी की बात में कुछ ना कुछ छुपो है। हाँ बोलो बोलो प्रेम से ताली बजाओ, सभी भक्त ताली बजाते प्रेम से। Nena milai
Yeah.